जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मिनिमम एक फंक्शन हॉल बनाना है उसका रिक्वायरमेंट कैसे रहता। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्किंग के लिए आपको सफिशियंट जगह चाहिए, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आता है रोड पे अच्छी तरीके से आपका हाईवे की तरफ रहना या फिर थोड़ा बहुत कुछ सिटी के अंदर रहना पड़ता। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा ट्रैफिक है, रीज़न यही है यहाँ पे जो बाजू में हाईवे है तो उसकी वजह से फर्स्ट लोकेशन इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है पार्किंग के लिए इनफ सफिशियंट जगह चाहिए दूसरी बात। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता इसका जो कॉस्ट, इसमें बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट रहता है। एक तो आपको सिटी के अंदर प्लॉट परचेज करना पड़ता है या फिर जगह खरीदना पड़ता है या फिर लीज पे लेना पड़ता है, वो एक हैवी इन्वेस्टमेंट रहता है। बाकी का जो है इसका बिल्डअप कंस्ट्रक्शन, आप क्या आरसीसी का बना रहे हैं या फिर स्टील सेमी कमांड फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड रहता है। इसका मेन इसका खर्चा जो रहता है, देखो ये आई बीम सेक्शन से वाला जो MS स्टील का पाइप्स यूज़ करते हैं वो वाला खर्चा होता है। अभी मैं आपको इसका डिज़ाइन दिखाता हूँ, लेट्स सी। और ऑल क्रेडिट गोज टू द इंजीनियर ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा है, इधर से जो है मेन एंट्रेंस था, यहाँ से एंटर करने के बाद पूरा फुल एक हॉल बन जाएगा, ये वाला कॉमन हॉल। दूसरा वो वाला जो है डाइनिंग एरिया बनाया, या फिर इसमें आप जो है अलग तरीके से बोले तो एक जो है फीमेल सेक्शन के लिए उधर पिलर के बाजू में जो है ना उधर फीमेल पर्सन को जाने के लिए एक सेपरेट एग्जिट एंड इनलेट आउटलेट बन जाएगा। इधर जो है मेल पर्सन को एक सेपरेट, यहाँ पे जो है सिटिंग पोजीशन आ जाएगा, उसके बाजू में जो है ना डाइनिंग हॉल बन जाता। सेम उधर फीमेल के लिए भी वो वाला पोर्शन जो है डाइनिंग बनेगा या फिर जो डेकोरेशन बनेगा उसके बाजू में डाइनिंग, उधर जो है ना किचन पोर्शन बन रहा है इस तरह से। एंड कॉलम की साइज़ की बात करें तो यहाँ पर जो है 12x15 इंच का कॉलम लिया गया, सॉरी 12x18 इंच का कॉलम यहाँ पर लिया हुआ है। और टोटल हाइट की बात करें तो लगभग ये 20 फीट हाइट है ये वाला। एंड इसके अंदर फ्रेम्स यूज़ किया गया, और जिस प्लेस में नट बोल्ट की जो रहता देखो तरीका, वहाँ पर आपको इवन MM में कंसिडर करना पड़ता है, ज़रा भी फ़र्क होने नहीं देना पड़ता। अगर फ़र्क हो गया समझो बोल्ट सही तरीके से बैठता नहीं, वहाँ पर आपको फिर दोबारा वेल्डिंग करना पड़ता है। सो ये बहुत बारीकी का काम है, स्पेशली जब आप MS स्टील पाइप्स का इस्तेमाल करते हैं उस समय। एंड फंक्शन हॉल, जब भी आप फंक्शन हॉल बनाते हैं सो कम अज़ कम आपके पास 1 एकड़ तक तो एरिया रहना पड़ता है, बिल्टअप एरिया, या फिर जो आसपास 1 से 2 एकड़ है तो और बेस्ट। एंड लाइटिंग का व्यवस्था भी की गई है, मतलब प्री प्लान होना ज़रूरी है। ये जो है थिकनेस यानी कि 12 mm या 12 mm की थिकनेस है, और ये बोल्ट सेक्शन फर्स्ट जो है इसको सपोर्टिंग के लिए फ्लैट फुट शूज़ लगाए गए, वो वाला फ्लैट शू। एंड उसके बाद इसको सपोर्टिंग कॉलम के ऊपर ये वाला रेस किया गया, 20 फीट हाइट है लगभग। फिर उसके बाद आता वो वाला सेक्शन, ऐसा दिखाई देगा आप लोगों को। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताया था उधर से जो है एंट्रेंस है, ये आता आपका फीमेल सेक्शन बैठने के लिए, डेकोरेशन वो सब ब्राइड प्रपोज।
और ग्रूम के लिए तो इस तरफ ग्रूम के लिए मतलब मेल पर्सन ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल कौन सा भी है फंक्शन हॉल में। एंड ये वाला डाइनिंग एरिया आ जाएगा आपका, और पीछे की तरफ ब्राइडल रूम, ग्रूम रूम, और आ जाएगा एक किचन सेक्शन प्लस वाटर सम्प। मेन चीज़ पानी, ज़्यादा मात्रा में पानी की ज़रूरत पड़ता है, मेन वही है। अगर आप बोर मारे या फिर कुआं है आपके पास, अगर पानी नहीं है तो बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और इसका डिज़ाइनिंग इस तरह से बनाया ताकि यहाँ पर जो है कुछ गार्डन प्लांटेशन वैसा आप बना सकते हैं, देखने को भी अच्छा खूबसूरत लगेगा। और ऊपर पूरा फुल टिन शीट्स आ जाता है। अब ये पिलर से लेंगे यहाँ तक डिस्टेंस की बात करें तो अप्रोक्सीमेट 60 फीट तक डिस्टेंस रहेगा ये वाला, उधर से उधर 16 फीट, तो बीच बीच में सपोर्टिंग दिया गया है बाय टू। अब फिर यहाँ से हम एंटर करते हैं किचन सेक्शन, जो ब्राइडल ग्रूम रहता, एक सेपरेट रूम रहेगा ये वाला, जो है उनका एक किचन एरिया रहता। यहाँ से आप एंटर किए समझो, इधर आने के बाद आप लोगों को यहाँ पर ये वाला जो एरिया आ रहा है आप लोगों का डाइनिंग एरिया आ रहा है। यहाँ पर पानी स्टोरेज के लिए सम ये वाला, और इधर जो है ना एक, यहाँ से भी आप लोग बाहर जा सकते हैं समझो, सर्विंग रूम इस तरह से। ये अपना रिक्वायरमेंट के अनुसार बनाएगा, जैसे कहाँ पर एक टॉयलेट रूम आ सकता है वैसे कुछ। और पाइपलाइन मेन थिंग जो है 6 इंच हैवी ड्रेन पाइप्स चाहिए, मेन इम्पोर्टेंट। इधर से जो है ड्रेन पाइप्स दिया जा रहा है उधर तक, एंड तक।